महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्य के पूर्व मंत्री सुनील केदार, रामटेक लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्याम कुमार बर्वे, पूर्व मंत्री अनिल देशमुख, गणमान्य लोगों से सजा मंच, हजारों लोगों की भीड़, सैकड़ों पुलिस कर्मियों का सुरक्षा घेरा। ऐसे में सांदे शहर का 8 वर्षीय बालक अद्वैत चंद्रशेखर धवड़ सिर पर केशरिया दुपट्टा, कंधे पर भगवा दुपट्टा डाले हुए मंच पर पहुंचता है और मराठा स्वर में कहता है कि मैं अद्वैत चंद्रशेखर धवड़ आपके लिए शिव गर्जना प्रस्तुत करता हूं। ये वाक्य सुनते ही सभी स्तब्ध हो जाते हैं और जैसे ही अद्वैत शिव गर्जना शुरू करते हैं तालियां बजने लगती है। मी अद्वैत चंद्रशेखर धवड़ तुमच्या समोर आज मी शिव गर्जना प्रस्तुत करता हूं। क्या बात है, अद्वैत रूपात खरं तर आपण महाराष्ट्राचाच नव्हे तर आपल्या देशाचा चेहरा इथे बघितला आहे। जोरदार टाळ्या आपल्या सगळ्यांच्या नक्कीच व्हायला हव्या आणि मी विनंती करणार आहे माननीय उद्धव साहेब ठाकरे यांना की त्यांनी स्वागत करावं अद्वैत धवड याला, आमच्या मुलाचं। जोरदार टाळ्या आपल्या सगळ्यांच्या होत राहायला हव्या। यह अवसर था कलमेश्वर में महाराष्ट्र के आद्य देवत छत्रपति शिवाजी महाराज की अश्वारूढ़ प्रतिमा के अनावरण का। इस मौके पर मौजूद सभी गणमान्य लोगों की मौजूदगी में अद्वैत द्वारा गाई गई शिव गर्जना की स्तुति का राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पूर्व मंत्री सुनील बाबू केदार, सांसद श्याम कुमार बर्वे, पूर्व मंत्री अनिल देशमुख और उपस्थित सभी ने 8 वर्षीय कुमार अद्वैत चंद्रशेखर धवड़ की फूलों का गुलदस्ता देकर प्रशंसा की और इसे भरपूर आशीर्वाद दिया। एनबीसी न्यूज के लिए सावने से छवि राठौड़ की रिपोर्ट।